अकाल मृत्यु गोमरे पंच बेलपत्र पंच पुष्प पंच दुर्वा और पंचपात्र जल पांच पुष्प पांच बेलपत्र पांच दुर्बा और पांच पात्र मतलब पांच लोटा जम जम के बोलो जल यह कोई साधारण नहीं है पंच बेल पत्र के साथ पंच पुष्प के साथ पंच दुर्भा के साथ पंच पात्र जल के साथ ये सहजता नहीं है बहुत ध्यान दीजिएगा बहुत जिन जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही हो बेटा बेटी के विवाह में देरी हो रही हो या सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी के नाम से बांधने के बाद भी गर्भ नहीं ठहर रहा तो ये ये नंदे नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा खगड़िया में जो चल रही है बिहार में इसके आज शुरू के दिन की कथा का स्मरण करिएगा पांच बेलपत्र पांच दुर्बा पांच पुष्प और पांच लोटा जल सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को एक बेलपत्र एक दुर्बा एक पुष्प एक लोटा जल समर्पित करकर कर, थोड़ी देर रुक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय नमः शिवाय स्मरण करकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर, कर फिर बेलपत्र फिर दुर्बा फिर पुष्प फिर जल ऐसा पांच पंच दल पत्र पंच दुर्भा पंच पुष्प पंच पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर, कर उस जल का आचमन करिए पांच सोमवार या सात सोमवार करिए बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो तुम रुका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाता है